ईएनबीए अवार्ड्स में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो साल से सीतापुर जेल में बंद आजम खान की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो आजम खान की तरफ से कहा गया कि 137 दिन हो चुके हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन अब तक उस पर फैसला आया नहीं है, लिहाजा उन्हें हाई कोर्ट से ये कहा जाए कि उन्हें जल्दी जमानत दी जाए। जमानत पर जो भी फैसला है हाई कोर्ट का वो आ जाए, ताकि अगर उन्हें जमानत नहीं दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश को चैलेंज करने के हकदार हो सकते हैं, अपने कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार के से ये पूछा कि आखिर जमानत देने में देरी क्यों हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहना था कि जजमेंट रिजर्व है और जजमेंट अभी तक नहीं आया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये कानून का मखौल उड़ाना है कि 137 दिन से जमानत अर्जी पर फैसला रिजर्व है, लेकिन फैसला सुनाया नहीं गया। कोर्ट ने लगभग चेतावनी देते हुए ये कहा कि एक हफ्ते का टाइम और दे रहे हैं, यानी 11 तारीख को, तब तक अगर फैसला नहीं सुनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा। इसमें एक बड़ा मसला यह भी है कि 4 दिसंबर 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में जजमेंट रिजर्व किया था, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो ऐलान हुआ, यानी कॉज लिस्ट में यह आया इलाहाबाद हाईकोर्ट के कॉज लिस्ट में कि 4 मई को इस पर फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन 4 मई को भी फैसले का के ऐलान होने के बावजूद फैसला नहीं सुनाया जा सका। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि 11 मई को इस मामले में अगली सुनवाई है, यदि तब तक फैसला नहीं सुनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा। ये 87 मामले आजम खान के खिलाफ दर्ज थे जिसमें उन्हें सीतापुर जेल में बंद रखा गया, जिसमें से 86 मामलों में 86 मैटर्स में उनको जमानत मिल गई है। एक मामला है जिसमें वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप है, उस मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है, और यही हाथी निकल गया पूंछ हटक गई का मामला है, और उसमें यही मामला उस पूंछ को कसकर पकड़े हुए बैठा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तेवर और लहजे से साफ कह दिया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर 10 मई तक इस मामले में फैसला सुना दे तो ठीक है, और नहीं तो 11 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल। संजय शर्मा।